हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटरमिनेंट के डेफिनेशन देखे थे। आज हम लोग डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज होते हैं वो हम लोग आज देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला जो प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट का वो इस प्रकार है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट अगर निकालते हैं और फिर उसको ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालते हैं तो दोनों क्या होगा, सेम होगा। वेरीफाई करके देखते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन करते हैं, देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए इक्वल टू 4321, ये हमारा ए है। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो निकालेंगे तो 4 - 6, ठीक है। तो यह जाएगा -2। उसके बाद अब इधर ए ट्रांसपोज लीजिए, ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 4, 3 हो जाएगा और 2 और 1 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लीजिए आप, तो 4 * 1 = 4 और 3 * 2 = 6, तो जाएगा -2। तो इसे आप देख सकते हैं कि कोई भी डिटरमिनेंट को अगर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो दोनों का डिटरमिनेंट क्या होता है, वैल्यू जो होता है वो सेम होता है। एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज है, दोनों का डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम होता है। ये पहला प्रॉपर्टी है, इसे ध्यान रखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर सी आई को सी जे से या आर आई को आर जे से, ठीक है, इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। यानी कि एक कॉलम को उठाकर, जैसे कॉलम 1 को और कॉलम 2 है, दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, या कॉलम 3 के कॉलम 2 से कर देते हैं, या कॉलम 3 को कॉलम 1 से कर देते हैं। यानी कि अगर कोई इंटरचेंज से हम लोग करते हैं, या आर आई को आर जे से, या कोई रो को करते हैं इंटरचेंज, ठीक है, तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहां पर इफ नंबर ऑफ इंटरचेंज इज ऑड, ठीक है, तो साइन विल चेंज। इफ नंबर ऑफ इंटरचेंज इज इवन तो साइन रिमेन सेम। क्या मतलब है इसका, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं ऑड टाइम्स, यानी कि एक बार अगर चेंज करते हैं, ठीक है, एक को उठाकर 3 पर ले गए ऐसे उठाकर, ठीक है, फिर कर दिए, तो एक बार करें या 3 बार करें या 5 बार करें या 7 बार करें, ऑड टाइम्स करेंगे इंटरचेंज, तो साइन जो है वो चेंज कर जाएगा। अगर डिटरमिनेंट माइनस आता होगा, -5 आ रहा होगा, तो एक इंटरचेंज करने से +5 आ जाएगा, 3 इंटरचेंज करने से साइन फिर से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इवन बार चेंज करते हैं, यानी कि किसी भी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम को आप 2 बार चेंज कर देते हैं, पहले 1 को 3 से किए, फिर 3 को 2 कर दिए, ठीक है, यानी 2 बार किए, या 4 बार किए, या 6 बार किए, तो जब ऐसा करेंगे तो साइन जो है वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल को देखते हैं, यहां पर एक जैसे मान लीजिए कि 1 5 2 1 है,
है ना, ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ए। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए आप, कितना हो जाएगा ये, तो 1 माइनस 10 इज इक्वल टू -9। अब हम लोग क्या करते हैं, ये है सी आई और ये है सी वन, ये है सी टू, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं सी वन इंटरचेंज सी टू, सी वन को सी टू से इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक नया मैट्रिक्स मिलेगा हमको एम मान लेते हैं, तो जब इंटरचेंज करेंगे इसको इससे तो 5 1 इधर जाएगा और उधर 1 और 2 चला जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा करेंगे तो ये जाएगा 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, है ना। तो देखिए एक बार इंटरचेंज किए तो पहले क्या था, -9 था, अब क्या आ गया, 9 आ गया। फिर से इस इंटरवल को M1 है मान लेते हैं, M2 एक नया मैट्रिक्स फिर बनाते हैं, एक बार फिर चेंज करते हैं इसको। ठीक है, अभी क्या करते हैं, रो को चेंज कर देते हैं, यानी कि R1 को चेंज कर दीजिए R2 से, यानी इसको उठा ऊपर ले जाइए, इसको नीचे ले आइए, यानी कि 1 2 5 1, है ना। आज जब इसे करेंगे तो यह जाएगा 1 माइनस 10 इक्वल टू -9, यानी कि आप देखिए आप नोट करिएगा, दो बार इंटरचेंज किए तो -9 था, -9 ही रह गया, एक बार चेंज किए तो 9 आ गया, मतलब माइनस से प्लस में हो गया, है ना। तो ये बातें मैं आपको 2x2 के लिए समझा रहा हूं, ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सही है। ठीक है, या वो 3x3 का हो या 4x4 का हो, ठीक है, वो सबके लिए यही नियम लागू होगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के रो या कॉलम में इंटरचेंज करते हैं ऑड टाइम्स, तो उसका साइन जो है, डिटरमिनेंट वैल्यू का साइन जो है वो बदल जाता है। ठीक है, और अगर इवन टाइम्स करेंगे इंटरचेंज तो उसका साइन सेम रहेगा जैसा पहले था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि सी आई इक्वल टू सी जे हो जाए या आर आई इक्वल टू आर जे हो जाए। ठीक है, यानी कि एक कॉलम जो है दूसरे कॉलम के बराबर हो जाए या एक रो दूसरे रो के बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है वो 0 होता है, डेल्टा क्या होता है, 0 होता है। यानी कि अगर 1 2 3 4 5 4 6 2 और 1 2 3 इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें, तो हम उस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे कि इसे रखे, इसे कोफैक्टर निकालिए, फिर इसे निकालिए, इसे कोफैक्टर निकालिए, इसे रख के इसे कोफैक्टर निकालिए, ऐसे नहीं करेंगे। आप इसे ऑब्जर्व करिए, या देखिए यहां पर जो है वो R1, यहां पर जो है R1 इक्वल टू R3 है, R1 जो है R3 के बराबर है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। आप इसे सॉल्व करके भी दे सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। उसी प्रकार से एक दिया हुआ है 1 3 2 1 3 2 6 7 8, ये दिया हुआ है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है हमें। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉलम 1 बराबर कॉलम 2 है, 1 3 2 है, 1 3 2 है, सेम सेम है, तो यहां पर भी इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर दे सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का भी हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट, इस प्रॉपर्टी में एक और बात है जो आपको समझना है, वो है कि अगर आर आई इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आर जे या सी आई इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी जे ऐसा भी है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तब भी देन डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा।
यानी कि क्या मतलब है इसका समझिए, 1 2 3 है, यहाँ पे 2 4 6 है, यहाँ पे 3 1 0 है, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है ना। अब देखिए 1 का डबल कितना होता है, 2 होता है, 2 का डबल 4 होता है, 3 का डबल 6 होता है, यानी ये दोनों जो है वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि आप देख सकते हैं कि C2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C1, ठीक है, C2 जो है वो C1 के डबल है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी से आप क्या समझे, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी रो दूसरे रो के बराबर हो जाए या कोई भी कॉलम दूसरे कॉलम के बराबर हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा, करेक्ट। और दूसरी बात इसमें और जो एड ऑन किए हैं वो ये है कि अगर एक रो जो है दूसरे रो के प्रोपोर्शनल हो जाए, ठीक है, या एक कॉलम दूसरे कॉलम के प्रोपोर्शनल हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी रो या कॉलम को अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू उतने टाइम से बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 3 2 4 1 3 2 1 5, ठीक है, अब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है हमें, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट कितना जाएगा, 1 (5 - 3 - 3 यहाँ 5 हो गए 20 और 3 × 6 + 2 से यहाँ करेंगे जगह 4 - 2 सॉल्व करिए इसे, तो जाएगा कितना हमारा 2 - 3 × 14 + 2 × 2 तो 2 - 44 + 4 तो यहाँ पर 6 - 42 हो जाएगा 36 है ना, ये इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आया। प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी रो या कॉलम को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कोई नंबर से तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू उतना टाइम्स हो जाएगा, यानी कि एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं बी, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ये कि सी टू को बना देते हैं 2 times of C2, ठीक है, C2 मतलब कौन है, ये C2 है आपका, कॉलम 2 यही है, इसको 2 से गुना कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 1 4 2, 2 से गुना करने पर हो जाएगा 6, अरे हो जाएगा 2, यहाँ 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, अरे 5, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है हमें, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा बी, तो 1 × 5 × 10 - 3 × 6, ठीक है, -6 इधर हो जाएगा 5 × 20 और -6, ठीक है, और फिर इसको करेंगे तो +2 हो जाएगा 8 - 4, ठीक है, इसे आप सॉल्व करिए तो हो जाएगा +4 और यहाँ हो जाएगा -6 × कितना हो जाएगा 14 और यह हो जाएगा +2 × 4 है ना, और इसे फाइनली सॉल्व करते हैं आगे कितना हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 84 और यह हो जाएगा 8 हो जाएगा
आठ चार 12 माइनस 34 84, तो ये जाएगा 2 हटा देंगे तो जाएगा 2 और ये जाएगा 70, ठीक है 72 माइनस में, ठीक हाँ यहाँ भी -36 होता है, ठीक है। तो देखिए ये -36 आया और ये -72 आया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है कि किसी भी कॉलम को अगर कोई नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है उतना टाइम से क्या होता है, बढ़ जाता है, डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है, जो भी हम करेंगे। अगर डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, के टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो के टाइम्स उसका डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा, है ना। इस प्रॉपर्टी का और एप्लीकेशन है, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका डिटरमिनेंट निकालना है हमें, कि दिया हुआ है 72 36, ठीक है 18 1 2 1 2 4 5, इसे कैलकुलेट करना है हमें, है ना। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना काम करना पड़ेगा, देखिए 72 है, 36 है, 18 है, तो 5 दुनी 10 होगा, यहाँ पे 4 एकम 4, फिर 72 से गुना करना है, फिर यही प्रक्रिया 36 के साथ, फिर 18 के साथ करना होगा, है ना। तो ये अगर आप अभी वाला जो प्रॉपर्टी हम लोग लिए थे उसको अप्लाई करेंगे तो इसमें प्रॉपर्टी के साथ में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना टाइम से ये हो जाता है, तो कॉमन भी हम ले सकते हैं। तो यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करने के बजाय यहां से कॉमन निकाल लिए, ठीक है, तो कॉमन निकालेंगे तो यहां से 18 आप कॉमन निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, अरे 1 ये 2, अरे 1 ये 2 4 अरे 5 हो जाएगा, है ना। तो ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि 18 से गुना करेंगे इसे तो फिर वही आ जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बाहर यहां पे क्या किए कि जो बड़ा नंबर था उसमें से कुछ जो कॉमन आ रहा था उसे हम लोग बाहर निकाल दिए। अब यहां से और भी चीज कॉमन निकाल सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, 18 इंटू, इसमें देखिए 2 जो है कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 4 1 2, यहाँ 2 हुआ तो 1 1 2 1 1 5, ठीक है। तो तीनों डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो सेम होंगे, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करिए, इसे कैलकुलेट करिए, इसे कैलकुलेट करिए, है ना, तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने से हमारा क्या हो जाएगा, ये थोड़ा आसान बन जाएगा, ऐसे आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इसे करना डिफिकल्ट काम है लेकिन ये हम आसानी से कर सकते हैं, 18 36 आ गया पहले ही, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर a1 + a2 b1 + b2 c1 + c2 x y z p q r, ऐसे कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है ना, तो आप जो है इसे 2 डिटरमिनेंट पे तोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं a1 b1 c1 x y z p q r, ठीक है, प्लस a2 b2 c2 x y z p q r, इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है और ये कब प्रयोग किया जाता है, इसके लिए एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं कि कैसे इसका मदद मिलेगा हम लोग को। जैसे मान लीजिए आपको सॉल्व करना है कि 1 + √2 और 2 + √2 3 - √2, ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है
वन, यहां पर दिया हुआ फोर टू वन, यहां पर वन टू थ्री, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे नियम है कि इसे ढकिए इसे ढकिए, इनको मल्टीप्लाई करिए, जो करते हैं हम लोग, ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने से हम लोग ध्यान देते हैं कि जो एक नेचर के चीजें हैं उनको अलग रखते हैं, जैसे कि रूट टू है, यहाँ रूट टू है, रूट टू है, इसे अलग दो पार्ट में कर लेते हैं, देखेंगे। वन टू थ्री, वन टू थ्री, फोर टू वन, फोर टू वन, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ऐसे लिखे, फिर प्लस, यहाँ रूट टू है तो रूट टू, यहाँ पर रूट टू, फिर यहाँ पर माइनस रूट टू, फिर यहाँ पर फोर टू वन, वन टू थ्री, ठीक है, ये दो पार्ट में हो गया। अब इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखिए, वन टू थ्री है, फिर वन टू थ्री यहां पर है, यानी कि आर वन इज इक्वल टू आर थ्री है, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहां पर प्लस, यहां पर रूट टू है, यहां पर भी रूट टू, यहां पर भी रूट टू है, तो रूट टू क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। रूट टू कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, वन वन माइनस वन, फोर टू वन, वन टू थ्री, ठीक है। अब देखिए ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना आसान है कि ऐसे करना आसान है, ये आप डिसाइड करिए, है ना। तो ऑब्वियसली ये जो है आसान लगेगा आपको करने में, ठीक है, क्योंकि यहां पर जब करेंगे तो ये सब काम जो है ऑटोमेटिक बढ़ा देता है, ठीक है। और ये देखो ऑटोमेटिकली यहां पर ऐसा दिया हुआ था कि ये जीरो हो गया, अगर जीरो नहीं भी होता तब भी डिटरमिनेंट सॉल्व करना आसान काम था, ऐसे सॉल्व करना आसान काम था, ठीक है, तो सेपरेट हमारा हो जाता इजी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ध्यान में रखते हैं, तो कई सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अभी प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि हम लोग अगर ऐसा दिया रहेगा तो इसे सेपरेट करके ले सकते हैं, और सेपरेट रहेगा तो हम जोड़ के भी ले सकते हैं, है ना। कभी जरूरत पड़ा कैसे सेपरेट लिखा हुआ है, दो ये और ये बराबर है, और ये और ये बराबर है, और ये दोनों डिफरेंस में है, तो हम इनको जोड़ करके क्लब करके ले सकते हैं, उसका उल्टा जो प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आपको याद होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको तीन पढ़ाया था, ठीक है, एक जो था डिवाइड करने वाला, एक इंटरचेंज करने वाला, और एक और पढ़ाया था थर्ड वाला, ठीक है। तो थर्ड वाला जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर किसी मैट्रिक्स पे करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं करता है। थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला इस प्रकार था कि आर आई इज इक्वल टू आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे, इस तरीके से, या सी आई इज इक्वल टू सी आई प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सी जे, इस तरीके से अगर हम अप्लाई कर देते हैं किसी डिटरमिनेंट में तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं बदलता है। एक करके देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि ये 15 है और ये 16 है और यहाँ पर 3 है और ये 4, ठीक है, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ आपको। अब ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो 15 चौका 60 और 16 तिया 48, तो सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, एक ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, ऑपरेशन जो एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो करके देखते हैं। लिखते हैं कि आर वन इज इक्वल टू, आर वन माइनस फोर टाइम्स ऑफ आर टू, ठीक है, ये हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसमें। तो चेंज कहां करना है, आर वन में क्या करना है,
आर वन में से घटाना है चार बार गुणा करके आर टू से, यानी रो टू है भाई रो वन है, तो चार तिया कितना होगा 12, तो 15 माइनस 12 कितना होगा 3, ठीक। और यहां पर देखिए इसको चार से गुणा करेंगे तो 16 माइनस 16 यह जाएगा 0, यह जाएगा 3, यह जाएगा 4, ठीक है। ये क्या हुआ, इस डिटरमिनेंट को इस एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद प्राप्त किया, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट को चेंज कर दिए इसमें, इस एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद अब इसका हमें निकालना है डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और ये -0 आ जाएगा 12। देखिए एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन करने से, थर्ड वाला एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन करने से इसके डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग बहुत सारे डिटरमिनेंट के वैल्यू को इजीली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो थर्ड वाला आपको बताया था उसको ध्यान में रखिएगा, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो है उसके डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको धड़ल्ले से अप्लाई करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें हम लोग लगातार इस तरह के ऑपरेशन करेंगे और करने से इसका डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम लोग करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखिए कितना अंतर आया, ठीक है। डिटरमिनेंट थोड़ा सा एलिमेंट ट्रांसफॉर्म करने से ये जो है थोड़ा इजी बन गया। अब ये आपको लग रहा होगा कि सर टू ऑर्डर का था, आसानी से बन गया, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भले ये आसान हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप डायरेक्ट करेंगे तब फंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको वहां प्रॉपर्टी भी अप्लाई करना पड़ेगा और प्रॉपर्टी अप्लाई करके ही आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। और बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे मिनिमम 2-3 स्टेप में आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे लिखा रहता है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट सॉल्व गिवन डिटरमिनेंट, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए डिटरमिनेंट को सॉल्व करना रहता है, तो वहां पे आपको प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होगा। ये नहीं कि हम लोग क्या अंधाधुंध शुरू हो गए और जो है जो मेथड है उससे हम लोग निकालना शुरू कर दिए और उससे क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है ना। तो हम लोग उसको देखेंगे। एक क्वेश्चन है इस डिटरमिनेंट के वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करने का एक तरीका ये हो सकता है कि डायरेक्ट इसे हम तोड़ना शुरू कर दें, यानी कि 1 × (this)(this) - (this)(this), फिर आगे करेंगे माइनस ओमेगा, इसको ढकेंगे इसको ढकेंगे, इसको इससे गुना करेंगे इसको इससे गुना करेंगे, तो ऐसे करते करते बढ़ेंगे, एक तरीका ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहां पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लिखते हैं कि C1 = C1 + C2 + C3। हम लोग क्या कर रहे हैं कि C1 में चेंज कर रहे हैं, कैसे, C1 + C2 + C3 तीन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 + ओमेगा + ओमेगा² यहां पर क्या हो जाएगा ओमेगा² + ओमेगा² + 1 यहां करेंगे क्या हो जाएगा ओमेगा² + 1 + ओमेगा यहां पर ओमेगा, यहां पे ओमेगा स्क्वायर, यहां पे 1, यहां पर ओमेगा स्क्वायर, यहां पर 1, यहां पर ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो 1 + ओमेगा + ओमेगा² कितना होता है 0 होता है, अरे कितना है 0, ठीक है, अरे भी क्या है 0 हो जाएगा, अरे ओमेगा है, अरे ओमेगा स्क्वायर है, ये 1 है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये 1 है, अरे ओमेगा है। तो किसी भी डिटरमिनेंट में अगर एक रो और एक कॉलम 0 हो जाता है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होता है 0 हो जाता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को, क्वेश्चन में प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी अप्लाई किए तो इसे क्या हुआ, एक रो एक कॉलम जो है पूरा का पूरा कॉलम जो है क्या हो गया 0 हो गया, और 0 होने से इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करने हैं,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।